गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर देख चुके हैं और वह सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग दो तीन चीजें देखेंगे। जैसे आप देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में क्या है, ऑस्मोसिस क्या है एंड इवन प्लाज्मोलिसिस क्या है। तीन चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन के विषय में आप लोग पहले से ही पढ़ भी चुके हैं किस तरह से हायर मॉलिक्यूल का लोअर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना होता है, इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि आप फ्लावर्स के जो एरोमा होते हैं, यानी कि उसकी जो महक होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से ही हम लोगों को दूर तक उसकी महक मतलब पहुंचती है। जैसे आप देखते हैं कि टी बैग होता है, जो आप जाते हैं स्टेशन वगैरह पे तो चाय लेते हैं तो उसमें टी बैग देते हैं, इसे घुमाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो टी बैग जब आप घुमाते हैं तो आप देखिए तो चाय का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, हॉट वाटर जो रहता है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ये भी डिफ्यूजन है। स्प्रे, आप स्प्रे करते हैं परफ्यूम जो है, एक बार आप उसको घर में एक बार स्प्रे कर दीजिए, देखिए पूरे कमरे तक फैल जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। सो वी विल टॉक अबाउट द डिफ्यूजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, देन आइए देखते हैं इसमें। तो लेक्चर नंबर 3 हमारा ये क्लास 9 का रहेगा, सॉरी लेक्चर 6 है ये, जिसमें हम लोग देखेंगे पहले डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन समझेंगे इसमें। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू रीजन ऑफ लोअर रीजन, या रीजन कह सकते हैं, या रीजन ऑफ कंसंट्रेशन कर दीजिए, रीजन ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अर्थात इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से द मूवमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, कहां से किसी भी सब्सटेंस का, या मूवमेंट जो होता है कहां से, द रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा से कम की ओर मूव हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसके हम लोग कई एग्जाम्पल भी इसमें देख सकते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिख लेंगे बेटा, पहला डिपिंग ऑफ टी बैग इन हॉट वाटर देन चेंज द कलर ड्यू टू डिफ्यूजन। मतलब इसका क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि आप अगर यहीं पर देखेंगे, एक यहाँ पर एक गिलास आप पानी ले लीजिए चाय, और इसमें हॉट वाटर भर दीजिए, और इसी में आप देखेंगे कि आपको, जब आप ज्यादातर स्टेशन वगैरह पे आप देखते होंगे, स्टेशन पे जाते हैं तो आपको एक टी बैग मिलता है, उस टी बैग को कहते हैं कि इसको जो है उसको चाय में इसे डिप करना रहता है, घुमाते हैं उसको, तो इसी को लिखा है डिपिंग, डिप मतलब घुमाना, किसको, टी बैग को, ये जो बैग आपको मिला है किसमें, हॉट वाटर में, जो आपको कप में देता है वो 2 रुपए वाला चाय, जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए में देता है, उसी में डिप करिए और उसका आनंद लीजिए, आप टेस्ट लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये जो आनंद आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये आनंद इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप यहाँ पर डिफ्यूजन करवा रहे हैं, यानी आपको भी नहीं पता है आप कर क्या रहे हैं, बट यू आर डूइंग द डिफ्यूजन टू देयर। क्लियर, पहला एग्जाम्पल। नाउ
दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहां पर हम लोग, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। स्प्रे ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम ओ आर आर यहां लिख सकते हैं, रूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर विल गेट डिफ्यूज्ड इनटू द ईयर। यानी अब आप यहां से एक एग्जांपल और दे सकते हैं बेटा, स्प्रे ऑफ परफ्यूम। अब आप मान लीजिए कि परफ्यूम वर्फ्यूम लगा लिए हैं, या आपने घर में रूम फ्रेशनर छिड़ दिया है, स्प्रे कर दिया है, तो उसकी महक दूर दूर तक जाएगी। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है 20 दिन से नहाया ही नहीं है, बिल्कुल गंधेला है, और उसी बीच में आपने क्या किया, अगले दिन पता लगा कि आप नहा वहा के बकायदा बढ़िया परफ्यूम लगा के गए, बढ़िया फॉग वगैरह का, 5 किलोमीटर दूर से ही आपका जो है महक उस तक पहुंचने लगा पूरे क्षेत्र में। तो यानी आप क्या करवा रहे हैं, आप डिफ्यूज करवा रहे हैं अपने अंदर से परफ्यूम को। तो यही कह रहा है कि दूर से आपकी महक, आपकी स्मेल भाप लिया जाता है ड्यू टू द डिफ्यूजन, ठीक है ना, क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के वो कहां पर, ईयर में डिफ्यूज कर जाते हैं, और दूर हवाएं तो चलती रहती हैं, और जैसे हवाएं आती है हमारे पास वी कैन फील देयर। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे यहां। शुगर, शुगर गेट्स डिजॉल्व्ड एंड स्वीटनेस आउट टू स्टीर इट। यानी अब देखिए, अब आपने वही काम किया, एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें चीनी डाल दिया, आप चीनी को थोड़ा सा उसमें स्टीर कर दीजिए, घुमा दीजिए इसे, स्टीर करेंगे तुरंत आपको क्या होगा, सॉरी यहां पर लिख सकते स्वीटनेस विदाउट कर लीजिए इसको, विदाउट मतलब क्या हुआ, आप एक ग्लास पानी ले लीजिए, पानी में आप 250 ग्राम चीनी डाल दीजिए, और चीनी डालेंगे और आप स्टीर मत करिए उसको, घुमाइए नहीं, वैसे छोड़ दीजिए उसको, आप देखेंगे 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट बाद वो चीनी आप उसमें घुल करके पानी को मीट कर देगा, यानी कि स्वीटनेस कर देगा उसको। आपने देखा स्टीर भी आपने नहीं किया, फिर भी क्यों चीनी घुल गया, क्योंकि चीनी का क्या हो गया उसमें, डिफ्यूजन हो गया। तो ये सब प्रोसेस इसमें आते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंस समझते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस, और भी दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस आते हैं, इसके बारे में हम लोग यहां देख लेंगे। देखेंगे यहां पर पहला, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड इट्स आउटसाइड यानी आउटसाइड मतलब एनवायरनमेंट थ्रो आउट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल, ठीक ना। देखिए अब यहां पर हमने लिखा कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड आउटसाइड, एक सेल है आपके पास, इस सेल के अंदर तमाम प्रकार के गैसेस हैं, इसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ सेल वॉल है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस सेल के अंदर गैसियस का जो एक्सचेंज हो रहा है, या जो आयंस है इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स हैं, इनका भी जो एक्सचेंज होगा सेल के अंदर बाहर साइड से अंदर की ओर, ये भी डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट नंबर 2 हम बता देंगे यहां पे। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम स्टोमेटा। यानी ये क्या कह रहा है, अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे बेटा, स्टोमेटा
यानी आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है गार्ड सेल होता है, ये गार्ड सेल होता है, ये बीच वाला स्टोमेटा होता है और इसी में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टोमेटा भी हमारा कहाँ होता है, होता तो पत्ती के दोनों सरफेस पे है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टोमेटा यू विल गेट फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ज्यादा वहां पे होता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि इसी स्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है, तो यानी यही गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ये किस में हो रहा है? स्टोमेटा के द्वारा। तो यानी इसका क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन के माध्यम का हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा देख लेंगे इसमें हम लोग, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आपको याद होना चाहिए। एरोमा, एरोमा मतलब स्मेल, स्मेल ऑफ ऑफ फ्लावर, कहां पे? फ्लावर इन द ईयर। दूर से ही आप समझ जाएंगे कि कहीं गुलाब का पूरा बगीचा लगा है। क्यों? क्योंकि आप गुलाब के स्मेल द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। गुलाब में जो एरोमा निकल रहा है वह एरोमा हवाओं में बिखर गया है, उसका डिफ्यूजन हो गया है और दूर से यू कैन फील इट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, चौथा ले लेंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बिटवीन, बिटवीन सेल, डिफ्यूजन ऑफ कर दीजिए, एक लाइन इसको हटा दीजिए, यहां पे मैं दूसरा लिख दे रहा हूं, आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा वो। चौथा में ले लेंगे डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब आप देखिए, आप भी तो सांस लेते हैं, आप भी तो O2 लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं, यानी हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रहा है ये भी डिफ्यूजन का ही माध्यम है। जल्दी से इसकी निशान लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ऑस्मोसिस। हाँ चलिए बेटा, आइए आगे हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, ऑस्मोसिस। इससे पहले आपने डिफ्यूजन के बारे में बढ़िया से जान लिया, अब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करेंगे। लिखेंगे इसमें द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल लिख लेंगे, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे, थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू, या वेयर कर दीजिए, वेयर हायर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वेयर हायर टू लोअर। अब इसमें एक चीज और पहले आप ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब यह हो गया कि वह चीजें जो इस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वही एंट्री करें, सबको एंट्री करने की अलाउमेंट नहीं है। यानी अब आप सोचिए किसी सेल में चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वह जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो आए, टॉक्सिक कोई आ रहा है तो टॉक्सिक अलाउ नहीं है, टॉक्सिक इज नॉट अलाउ इन द सेल। तो वही चीजें हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इन चीजों को आगे क्या करता है, कवर करता है, कि मतलब इनको एंट्री करने की अलाउ नहीं है। आगे इसमें देखेंगे बेटा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में चाहिए तो आप यहां पे H2O कर सकते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वेयर द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी हायर से ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं।
आगे देखेंगे इसमें, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां पे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर एक, वाटर रसेस। वाटर का क्या हो रहा है, रसेस हो रहा है कहां पर, इनटू ए स्पंज। अब आप देखेंगे, आपने अगर स्पंज वगैरह देखा होगा तो स्पंज को आप पानी में डाल दीजिए, पानी को ही स्पंज बहुत जल्दी से क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वह उस स्पंज में धीरे 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 क्या कर रस रहे हैं, रसस कर रहे हैं उसमें। तो इसी के द्वारा कह सकते हैं कि जो रसस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द स्पंज हो रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फीलिंग थर्स्टी आफ्टर एकिंग या आफ्टर हैविंग कह दो, आफ्टर हैविंग साल्टी फूड। एक और भी ले लेंगे यहां पे, क्या स्वेलिंग ऑफ, एक मिनट हो गया, आपने रेजिन देखा, रेजिन जानते किसे कहते हैं, किशमिश को, वो पानी में डाल दीजिए, पानी में जैसे किशमिश डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फूल जाता है। चना आपने देखा है, चना को पानी में डाल दीजिए क्या करेगा, फूल जाएगा। तो वही चीज मैं यहां लिखने वाला हूं, देख लीजिए, स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स इन द वाटर। एक सीड भी लिख सकते हैं, सीड मतलब सीड को भी ले सकते हैं और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं। पानी रस गया स्पंज में, स्पंज फूल गया, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। फीलिंग थर्स्टी आफ्टर द हैविंग द साल्टी फूड, खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आपको देखिए बड़ी तेजी से प्यास लग जाती है, प्यास लगती, वो क्यों हो रहा है, ऑस्मोसिस के माध्यम से पानी आप क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं। ये भी प्रोसेस है इसी का, स्वेलिंग ऑफ रेजिन, किशमिश पानी में डाल दीजिए, सीड को यानी चना को डाल दीजिए, ये क्या होगा, धीरे धीरे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा, देयर आफ्टर इट कैन स्वेल, ये भी प्रोसेस हो जाएगा। अब यहां पर हम एक टॉपिक और लेते हैं इसी का, इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस इसके हो सकते हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे यहां पर बेटा। तो सबसे पहले यहां पर क्या बता देंगे, इस इंपॉर्टेंस में नंबर एक बता देंगे, एंट्री ऑफ सॉयल वाटर इनटू रूट थ्रू ऑस्मोसिस। यानी ये कहना चाहता है कि जो सॉयल जो होता है मिट्टी नीचे, उसमें जो पानी भरे होते हैं वह सॉयल वाटर धीरे धीरे रूट के माध्यम से क्या किया जाता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस द्वारा बिल्कुल प्लांट के लास्ट तक क्या होता है, चला जाता है। तो ये भी प्रोसेस हो जाएगा ऑस्मोसिस के माध्यम से। दूसरा यहां पर देख लेंगे, यहां पर हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है देख लेंगे, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेल टू सेल यानी सेल ऐसे बना है, ये सेल बना है, तो सेल तो एक प्लाज्मोडेस्माटा से सब जुड़े होते हैं, सेल इज अटैच्ड फ्रॉम द प्लाज्मोडेस्माटा, ये पतली सी नैरो कैनाल होती है जो जोड़ कर रखती है दोनों सेल्स को आपस में। तो यहां पर दोनों के सेल के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये ट्रांसफर तो होंगे ही होंगे ना, तो ये भी कहने के ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही इनका मूवमेंट हो रहा है। तीसरा देखेंगे इसमें हम, लिविंग सेल remain turgid by osmosis। जैसे एक शब्द आया है turgid, एक बायोलॉजिकल वर्ड होता है जिसको कहते हैं फूल जाना। कभी कभी आप देखेंगे लिविंग सेल रिमेन turgid by osmosis, जो लिविंग सेल होते हैं प्लांट्स में देखेंगे स्पेशली, तो सेल फूले रहते हैं,
क्यों फूले हैं? क्योंकि उनके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। और इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। अभी जो मैंने आपको गार्ड सेल बनाया था स्टोमेटा, जिससे दोनों से कवर होते हैं, उसी को गार्ड सेल कहते हैं। तो उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, उसी के द्वारा स्टोमेटा हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन हो जाता है। अब देखेंगे ऑस्मोसिस स्पेशली यहां पर तीन तरह के होंगे, थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स हो जाएंगे। तीनों टाइप्स को आपको मैं बता देता हूं, जिसमें एक को आइसोटोनिक कह देंगे, एक को हाइपरटोनिक कहेंगे, एक को हाइपोटोनिक कहेंगे। मैं इसको तीनों के बारे में आपको दो दो लाइन बता देता हूं, अभी जल्दी से इसके आंसर लीजिए इसका। चलिए बेटा, इसमें देखेंगे हम लोग इसको तीन प्रकार का बता देंगे, थ्री टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप्स को हम लोग यहाँ पर नाम केवल देख लेंगे, बाकी इसको समझ लेंगे। इसमें आइसोटोनिक, बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एक हो जाएगा, हाइपोटोनिक, यानी हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सॉस्मोसिस। उसके बाद में चलिए भाई, अब इसमें देखेंगे एक्सॉस्मोसिस हाइपर मतलब हाइयर, टॉनिक मतलब टेंशन, मतलब बाहर का जो टेंशन है मॉलिक्यूल का वो ज्यादा है अंदर की तुलना में। एक ऑस्मोसिस एग्जाम्पल में आप ले लेंगे, इसमें आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अंगूर ग्रेप्स का आप जानते होंगे। ग्रेप्स को आप पानी में डाल दीजिए, आप देखेंगे ग्रेप्स बिल्कुल उसके अंदर का क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड पानी में चला जाएगा, तो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। यहां पर देखेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इसको एक नाम से और जानते हैं इंड ऑस्मोसिस में आप देखेंगे इसमें बेटा, तो सबसे बेस्ट हम आपको बता दें एग्जाम्पल, इसमें रेजिन ले लीजिए, रेजिन मतलब किशमिश, किशमिश को पानी में डालिए और पानी में जैसे डालेंगे तो देखेंगे कि वो धीरे 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 क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अर्थात इसमें हम ये बता सकते हैं कि हाइपोटोनिक, हाइपो इज इक्वल टू लिख देंगे क्या, लो या लेस कर दीजिए, और टॉनिक मतलब हो जाएगा टेंशन। तो यानी कहीं ना कहीं ये हमारे जो होते हैं हाइपरटोनिक एक्सॉस्मोसिस अंगूर में हो जाएगा, हाइपोटोनिक इंड ऑस्मोसिस हमारे रेजिन में हो जाएगा, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में आप ग्लूकोज के ले लीजिए 0.1 ml ग्लूकोज, इसको आप देखेंगे तो यह क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारा फ्रक्टोज के 0.1 m सुक्रोज के बराबर हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ 0.1 ग्लूकोज, अगर 0.1 m ग्लूकोज की बात करेंगे 0.1 m सुक्रोज के बराबर रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो रहेगी इसके वैल्यू के बराबर रहेगा, अर्थात इसमें कोई भी डिफ्यूजन, कोई भी मोमेंट मॉलिक्यूल का होगा ही नहीं, बिल्कुल बराबर है। जैसे अब यहां पर आप ले लीजिए ये पानी है, इस पानी को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कि इधर आ जाए, लेकिन ये इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी उतना ही बराबर मात्रा में पानी है। तो किसी भी मेम्ब्रेन के माध्यम से वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, आउटर साइड इनर साइड बोथ आर द इक्वल इन अमाउंट, तो ये ट्रांसफर होगा नहीं। आइसो मतलब बिल्कुल फिक्स है, जैसे आप प्लांट सेल को ले लीजिए, पानी में आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे वैसे रहेगा यहाँ पर। तो ऐसे ही कहेंगे हाइपर में देखेंगे एक ऑस्मोसिस हो रहा है, अंगूर है, अंगूर का जो बाहर अंगूर तो भाई उसके अंदर तो सेल में है ही है सैप, वो धीरे धीरे पानी में चला जा रहा है, यानी कि इनर साइड में जो है वहां पर जाता है आउटर साइड की तुलना में, यहां पर उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के ऑस्मोसिस है, जल्दी से इसका निशान ले लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं। चलिए बेटा, यहाँ एक टॉपिक लास्ट बचा है, तीसरा देख लेंगे, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा है, किसी सेल के अंदर जो भी उसके अंदर जो लिक्विड होंगे वो धीरे धीरे अपने सेल वॉल को छोड़ देंगे और छोड़ करके बीच में आ जाएंगे। तो लीविंग ऑफ सेल वॉल ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ एन सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोलिसिस।
अभी मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको आसानी से आ जाएगा। ए लिविंग सेल कैन लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एंड बिकम श्रिंकेस। यहां श्रिंक कर जाएंगे एंड ओ आर आर कर दीजिए यहां पे, द कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट्स, सेल के अंदर उपस्थित जो कंटेंट्स होते हैं, अवे फ्रॉम सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस कह सकते हैं। यानी कोई भी सेल अपने अंदर मौजूद जितने भी सेल कंटेंट है उसको छोड़ करके बीच में आ जाए, इसी को हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। या इसका डेफिनेशन और मैं लिख देता हूं और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे ओआर लगा दीजिए, यहां पर देख लेते हैं इसको। श्रिंकेज ऑफ प्रोटो प्लास्ट ऑफ ए सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस किसका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के माध्यम से धीरे धीरे वो जो कंटेंट होगा उस सेल के बीच में आ जाएगा। एक लाइन इसमें और बढ़ा लेंगे इसमें हम लोग, इट्स टर्जिट सेल प्लेस्ड इफ इट्स टर्जिट सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विथड्रॉल ऑफ वाटर, यानी यहां पर लिख सकते हैं एक्स ऑस्मोसिस हो जाता है इसमें, एक्स ऑस्मोसिस ऑफ साइज ऑफ प्रोटो प्लाज्म यानी रिड्यूस्ड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथड्रॉल यानी लीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं, विथड्रॉ ऑफ सेल वॉल। यानी हमने आपको लिखा कि ए लिविंग सेल कैन लॉस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, कौन से प्रोसेस द्वारा लिविंग सेल लॉस करते पानी को, ऑस्मोसिस, एंड बिकम द श्रिंक और सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, या द कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट, सेल के अंदर जो कंटेंट है वो कहां पे, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अपने सेल वॉल को छोड़ देता है। जैसे मैं यहां पर अगर बात करता हूं इसे, एक छोटा सा अगर मैं यहां ऐसा डेफिनेशन टाइप का मैं फिगर बता देता हूं आपको, यहां पर ये वैक्यूल्स हो जाएंगे, ये इस पर आप देखेंगे सब क्लोरोप्लास्ट चिपका देंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसको धीरे धीरे देखेंगे, अब ये सब इसके अंदर ये सब अपना लिक्विड जो है इसका कंटेंट, फिर हम देख सकते हैं यहां पर
अगले स्टेप्स में ये जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, श्रिंकेज करेगा, और श्रिंक कर करके क्या करेगा, इस अवस्था में आ जाएगा। फाइनली अगर हम सीधा इसमें देखें कि ये हमारा जो वैक्यूल्स होगा, ये वैक्यूल्स और ज्यादा सिकुड़ेगा, और जो इसके अंदर ये धीरे धीरे प्रोटोप्लास्ट बढ़ता यहां पर चला जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और फाइनली हम यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा वैक्यूल्स होगा, ये वैक्यूल्स बीच में आ जाएगा, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, ये वैक्यूल्स होगा, इसके अंदर सारे प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएंगे। यानी हमने कहा यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट जो था सेल का फैला हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ इसमें, इस प्रोसेस के द्वारा, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ये बीच में आना शुरू कर दिया सेल कंटेंट। फिर फाइनली हमने देखा सारे न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट सब इकट्ठा हो गए हैं, एंड फाइनली देखेंगे कि बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। तो किसी तरह से सेल कंटेंट का अपने सेल वॉल को छोड़ देना, ये सब छोड़ दिए, लीविंग या विड्रॉल ऑफ सेल वॉल ऑफ द सेल कंटेंट एंड कम इन द सेंटर इज कॉल्ड द प्लाज्मोलिसिस। किस प्रोसेस के द्वारा, मैंने लिखा इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन के माध्यम से हो सकते हैं, या इसमें मैंने लिखा एक्स ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस के द्वारा हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिस पौधे में पाया जाता है, जिससे पौधा धीरे धीरे क्या होता है, सूख भी जाता है। यहाँ पर बीच में कंसेप्ट कंटेंट आ गया, तो ये सब अपने सलवार को क्या करते हैं, छोड़ करके बीच बीच में आ जाते हैं। तो बेटा आज हम लोग देखेंगे बस इतना ही टॉपिक, तीन टॉपिक आपने अच्छे से देखा है, बढ़िया से इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।